हेलो फ्रेंड्स, मैं शेयर करूंगी आज ऐसी यूनिक रेसिपी जिसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसके साथ ही बहुत कम सामानों से ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने ये मखाने। अब ये आधी कटोरी मखाने हैं। अब आप जितनी भी मात्रा में रेसिपी बनाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से मखाने ले सकते हैं। तो मैंने आधी कटोरी मखाने लिए हैं। अब इन मखानों को डाल लेना है एक मिक्सी के जार में। इसके बाद लिए हैं मैंने काजू, तो काजू भी मैंने आधी कटोरी लिए हैं। अब आप इसके साथ खरबूजे के बीज या फिर बादाम भी डाल सकते हैं, नहीं तो इन सब में से जो भी आपको पसंद ना हो आप वो इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद फ्राई पैन या फिर कढ़ाई को गर्म कर लेना है और उसमें डाल लेना है घी। तो मैंने ये 1 चम्मच घी लिया है। अब आप घी नहीं डालना चाहते तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से घी डालते हैं तो जो हम लड्डू बना रहे हैं उनका बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इन लड्डू को बिना घी के भी तैयार कर सकते हैं। बिना घी के भी लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसके बाद देखिए घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो जो काजू और मखानों का पाउडर बना के रखा हुआ था वो इसमें इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद इस तरह से चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेना है। अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ हल्का सा ही भूनना है। इसका बस हल्का सा कच्चापन दूर कर लेना है। अब इस तरह से भूनते हुए आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं भूनना। अब इसको बिना भूने भी आप इसके लड्डू बना सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से भूनकर लड्डू बनाएंगे तो जो लड्डू है उनका खाने में टेस्ट तो आएगा ही। इसके साथ ही आप लड्डू को लंबे टाइम तक स्टोर कर भी रख सकते हैं, लड्डू खराब नहीं होंगे। अभी देखिए मैंने 1 कटोरी सूखे हुए नारियल का बुरादा लिया है। ये मैंने घर पर ही सूखे नारियल को ग्राइंड करके बनाया है। आप इसकी जगह जो मार्केट में मिलता है आप उसे भी ले सकते हैं। इसके बाद इन्हें चलाते हुए हल्का सा और भून लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। इस तरह से अगर इलायची पाउडर डालते हैं तो जो हम मीठी चीज़ बना रहे हैं उसका खाने में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पे थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। सफ़ेद मिर्च आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके साथ ही अगर आप इन लड्डू में थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाल लेंगे तो जो लड्डू का टेस्ट है बहुत बढ़िया आएगा। अब ये देखिए ये भुन चुका है, तो अब इसे ज़्यादा नहीं भूनना। इन सभी को इस तरह से भूनते हुए आपको 2 मिनट लगेंगे और 2 मिनट में ही ये सब अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएंगे। अब इस तरह से नापकर आपको 1 कटोरी में इस तरह से आधी कटोरी चीनी ले लेनी है। वैसे तो आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितना भी आपको खाना पसंद हो। इसके बाद इसमें आधी कटोरी में आधी कटोरी ही पानी मिला लेना है। इसके बाद इसकी बना लेनी है चाशनी। तो जो चाशनी आप बना रहे हैं तो चाशनी को ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। सिर्फ चाशनी को इतना पका लेना है जितनी जो चीनी है इसमें वो अच्छे से पिघल जाए। इसे बराबर चलाते रहना है जब तक कि जो इसके अंदर की चीनी है अच्छे से पिघल ना जाए। चाशनी परफेक्ट बनी या नहीं चेक करने के लिए आप हाथ पर भी हल्का सा लगा कर देख सकते हैं। हाथ पर अगर चाशनी हल्की सी चिपचिपी सी लगे तो समझ जाइए चाशनी है वो परफेक्ट बनी है। लड्डुओं के लिए तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ जो हल्की सी चिपचिपी होती है सिर्फ ऐसे ही इसके लिए चाशनी बना लेनी है। अब ये देखिए जो चीनी अच्छे से पिघल चुकी है, सिर्फ इतना ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। अब ये देखिए जो मिक्सचर है काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो जो ये मिक्सचर है इसे ठंडा कर लेना है। इसके बाद जो हमने चाशनी बनाई हुई थी वो इसमें डाल लेनी है। तो जो चाशनी आप इसमें डाल रहे हैं चाशनी को भी हल्का सा ठंडा करके डालना है। बिल्कुल एकदम से गरम गरम चाशनी इसमें नहीं डाल देनी। थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चाशनी एकदम से इसमें नहीं डाल लेनी। चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी चाशनी आने वाली है। अब ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो मैंने चाशनी बनाई हुई थी वो मैंने इसमें पूरी ऐड नहीं करी, थोड़ी सी चाशनी बच गई है। लड्डू बनाने के लिए जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इसका लड्डू भी कितने अच्छे से बन रहा है। अब आपको जिस भी साइज़ के लड्डू पसंद हो आप उस साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। अब आप अगर इसके अब लड्डू ना बनाना चाहें तो आप इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। आपको जिस भी बर्तन में मिठाई बनानी है उसमें पहले थोड़ा सा घी लगा लेना है, उसके बाद इस मिक्सचर को उसमें डालकर ऊपर से अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद आप मनचाहे साइज़ में मिठाई के पीस बना सकते हैं।
अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। अब अगर आप इन्हें पहली बार बना रहे हैं तो अभी आप परफेक्ट तरीके से इन लड्डू को बना पाएंगे। इन लड्डू को बनाते टाइम ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि पहली बार बना रहे हैं पता नहीं कैसे बनेंगे। पहली बार भी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू आपके बनेंगे ही। इन लड्डू को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और फ्रेंड्स जितना इन्हें बनाना आसान है उससे ज़्यादा खाने में टेस्ट लगते हैं ये लड्डू। तो आप भी इन्हें एक बार घर पर बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनते हैं। घर पर हम जब लड्डू बनाते हैं तो उन लड्डू में घी डलता ही डलता है, बिना घी डले हुए लड्डू नहीं बनते। पर इन लड्डू की खास बात यह है आप इन लड्डू को बिना घी के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना घी के भी अगर आप इन लड्डू को बनाएंगे तो इनके टेस्ट में कमी बिल्कुल नहीं आएगी, ये तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।